हमारे पौधे बढ़ रहे होते हैं, हरे भरे होते हैं, कलियां आने लगती हैं, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि पत्तियों में थोड़ी सी सिकुड़न, थोड़ी सी ऐंठन नजर आ रही है, या यकायक पत्तियां पीली पड़ के रोज थोड़ी 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 करके गिरती जा रही है और पौधा खाली हो रहा है। कली आ रही है लेकिन वो अचानक से काली हो गई और गिर गई, फूल खिलाई नहीं। ये सब वजह होती है जब हमारे पौधों पर इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। कीड़े ऐसे जैसे मिलीबग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, ये कीड़े जब हमारे पौधे पर अटैक करते हैं, पौधों के तने पर चिपक के या पत्तियों पर चिपक करके उसका रस पी लेते हैं, तो न तो पौधा ठीक से फोटोसिंथेसिस करता है और न ही पौधा अपने न्यूट्रिशन को पत्तियों तक पहुंचा पाता है। ऐसे में इन कीड़ों का कैसे इलाज करना है, आइए आज देखते हैं वीडियो में सिर्फ 5 आसान तरीके जिनसे आप इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं और वो भी ऑर्गेनिक। तो बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं आमतौर पर हमें नजर नहीं आते हैं अगर हम रैंडमली देखते हैं तो, लेकिन अगर गौर से पौधे को देखेंगे तो कभी पानी देते वक्त आपको कुछ पौधों से उड़ते हुए छोटे छोटे व्हाइट कीड़े दिखाई देंगे, कभी आपको तने पर चिपके हुए कुछ व्हाइट कीड़े दिखाई देंगे, कभी पत्तियों के पीछे काले कीड़े दिखाई देंगे। तो जब कभी पौधा कमजोर हो, पौधे को गौर से देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीड़ा अगर है तो ये ट्रीटमेंट करने हैं। दूसरी बात है कि ये कीड़े लगते कब हैं और क्यों लगते हैं। आमतौर पर साल भर आपको ये कीड़े दिखाई नहीं देंगे, कभी कभी दिखाई देते हैं जब मौसम हॉट एंड ह्यूमिड होता है, गर्मी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, यानी कि जैसा अब होने वाला है, गर्मी चल रही है, बरसात आने लगी है, धीरे धीरे मौसम बहुत ह्यूमिड होगा और यही वक्त होता है जब कीड़े लगना शुरू होते हैं, इस वक्त शुरू हो रहे होंगे। और दूसरा समय होता है इंसेक्ट्स के लगने का जब चेंजिंग सीजन होता है, सीजन चेंज हो रहा है, जब सर्दी से गर्मी आई तब कीड़ों को लगना है, अब जब गर्मी से बारिश आ रही है तब वापस से कीड़े एक्टिवेट होंगे। तो इस तरीके से जब भी सीजन बदलता है उस वक्त पौधों के साथ थोड़े अलर्ट हो जाइए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो अक्सर अपने पौधों को देखते रहिए। अब हम जल्दी से चलते हैं 5 ऐसे तरीके इजी जो हमें शुरू से करने हैं जैसे ही कीड़ा लगा आपको दिख रहा है, अभी नया नया कीड़ा लगा है, थोड़ा थोड़ा कहीं लगा है। ऐसे कीड़े आप अगर पानी की तेज धार भी मारेंगे तो ये वहां से उड़ जाते हैं, लेकिन ये होगा जब आपके पौधे में इंसेक्ट्स नए नए लगे हैं, जैसे मिलीबग्स। जैसे ही शुरुआत में हमने देखे 2, 4, 5, 7 लगे हैं मिलीबग्स और हमने तेज प्रेशर से इन्हें उड़ाया, ये उड़ जाएंगे, लेकिन एक दफा इनकी ग्रोथ ज्यादा हो गई, ये पौधे पर बहुत अच्छी तरह चिपक गए तो ये पानी से नहीं भागेंगे, तब इनके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। और दूसरा तरीका होता है रबिंग एल्कोहल यूज करें, किसी भी एक कॉटन बॉल पर रबिंग एल्कोहल लें और बहुत आराम से बिना मिलीबग्स को छुए कॉटन के हेल्प से ही इन्हें पकड़ करके स्टेम से अलग कर लें। अगर ये थोड़े कम हैं तो इस अल्कोहल से ये अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ गए, हमको एक एक को उठाना मुश्किल है, तो हमें तीसरी टेक्निक पर जाना पड़ेगा। तीसरी टेक्निक है कि आप 1 लीटर पानी की बॉटल में 1 चम्मच डिशवॉश लिक्विड डालिए और 1/2 चम्मच ऑयल डालिए, बहुत अच्छे से हिला करके इसे अपने पौधे पर स्प्रे करेंगे। तेल इस लिक्विड सॉल्यूशन को मिलीबग पर चिपकने में हेल्प करता है और वहीं से मिलीबग्स का हटना शुरू होता है। याद रखें कि हमें शाम के वक्त स्प्रे करना है, सुबह हमें एक काम जरूर करना है, जहां जहां हमने स्प्रे किया है एक बार तेज धार के पानी से वहां से धो डालें। इससे क्या होगा कि जो भी मिलीबग्स अटैच हुए हैं स्टेम से वो वहां से हट जाएंगे, कुछ जो एग्स हैं वो भी वहां से धुल जाएंगे। लेकिन साथ ही ध्यान ये रखना है कि इस प्रक्रिया को हमें 3 बार कम से कम रिपीट करना है। एक बार आज किया है, 3-4 दिन बाद दोबारा यही काम करना है और उसके 3-4 दिन बाद दोबारा यही काम करना है। हम भी एंटीबायोटिक खाते हैं तो एक फिक्स डोज के साथ खाते हैं ना, तो इन इंसेक्ट्स को भी ऐसा ही फिक्स डोज 3 से 4 इंटरवल्स में हमें देते रहना है, तभी हम इनसे छुटकारा पा सकेंगे। अगर ये भी नहीं होता तो हम चलते हैं अगली टेक्निक पर। डिशवॉश लिक्विड हमें लेना है, लेकिन साथ ही हमें लेने हैं 7-8 लौंग। इन 7-8 लौंग को कूट लीजिए और पूरी रात पानी में भिगो दीजिए। ये जो पानी है इसे छान करके 1 लीटर पानी की बॉटल में डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड डाल दीजिए। ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये हमारे तीसरे तरीके से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको लगा दीजिए। अगर आप चाहें तो आप अल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं, थर्ड तरीका एक बार किया उसके बाद फोर्थ कर लिया, फिर थर्ड किया फिर फोर्थ कर लिया, इस तरीके से भी किया जा सकता है। और अब आखिरी और 5वां तरीका बताती हूँ, जो किसी के लिए बहुत आसान हो सकता है लेकिन किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको चाहिए टोबैको, 7-8 बीड़ी या सिगरेट, प्रेफरेबली बीड़ी।
उसको आप निकालेंगे, अंदर का जो तंबाकू है वो निकाल लीजिए और इसको पूरी रात भिगोना है पानी के अंदर। पानी में ये टोबैको ओवरनाइट भीगा रहेगा तो इसका जो निकोटिन है वो निकल के पानी में आएगा, वो मिली बग्स पे असर करेगा। अब ये टोबैको वाटर आप 1 लीटर पानी में मिलाइए और स्प्रे बॉटल से अपने पौधों पर उसी तरीके से स्प्रे करना है जैसे हमने पहली 2 टेक्निक्स में किया है। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके हैं जो बहुत ईजी हैं, घरेलू हैं, घर से आपको हो जाएंगे, इसीलिए दवाई लाने की जद्दोजहद में नहीं पड़ना है। हमारा किचन पूरी तरीके से हमारे बगीचे को संभालने के लिए काबिल है, इसीलिए अपने ही किचन में से कुछ सामान निकालिए और देखिए सारे इंसेक्ट्स कैसे भाग जाते हैं। और इन टेक्निक से अगर आपके कीड़े भागते हैं, जो कि यकीनन भागेंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ये प्रॉब्लम आने वाली है और सबको इसकी जरूरत पड़ेगी। और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते रहिए, नमस्कार।